जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है उसको आप देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। कर्व जो है 0π/4 से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0π/4 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज साइन एक्स कास वाई डी एक्स प्लस कास एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये दिया हुआ है और इसके कर्व का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ डी वाई और डी एक्स को डिफरेंट साइड में लिखेंगे। अब ये हो गया आपका साइन एक्स कास वाई डी एक्स इजकल टू, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई। अब चले हम एक्स को एक तरफ करते हैं, वाई को एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स और फिर ये हो जाएगा माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई और ये हो जाएगा डी वाई। चलें अब इसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखें क्या मिल रहा है। ये साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स डी एक्स और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा टेन वाई डी वाई। अब दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग टेन का टेन का इंटीग्रेशन करते हैं। ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपका माइनस और ये हो जाएगा लॉग लॉग सेक वाई, लॉग सेक वाई और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट हम जोड़ सकते हैं लॉग सी, फिर देखें क्या मिलेगा। अब हम यहाँ पर ये लॉग सेक वाई को हम चाहें तो लेफ्ट में ला सकते हैं, तो लॉग सेक वाई लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग सेक एक्स और प्लस हो जाएगा लॉग सेक वाई, लॉग सेक वाई इजकल टू लॉग सी हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा, यहाँ देखें लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, लॉग एम एन हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स सेक वाई इजकल टू लॉग सी। अब दोनों साइड से हम लॉग हटा देते हैं, तो लॉग हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स सेक वाई इजकल टू सी हो जाएगा। अब देखें अब हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर देंगे और कंडीशन अप्लाई करके सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखा जाए सी की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर एक्स के जगह पे जीरो और वाई के जगह पे हम पाई बाई फोर कर देंगे, तो पाई बाई फोर करके देखें कि वैल्यू क्या मिलती है। तो देखें यहाँ एक्स के जगह पे जीरो करेंगे सेक जीरो हो जाएगा, सेक जीरो की वैल्यू हो जाएगी वन। यहाँ हम कर लेते, चलिए यहाँ राइट साइड में कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेक जीरो और इनटू ये है आपका सेक वाई की वैल्यू पाई बाई फोर इजकल टू सी हो जाएगा, सेक जीरो की वैल्यू वन और सेक पाई बाई फोर, सेक पाई बाई फोर की वैल्यू रूट टू हो जाएगी, कास पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई रूट टू होती है,
तो ये हो जाएगी रूट टू इजकल टू सी, तो सी इजकल टू हो गया रूट टू. पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू सेक वाई इजकल टू रूट टू. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसका पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है. चलिए देखते हैं. तो ये है 1 + e^2x dy = -, ये हो गया 1 + y² e^x dx. dx को हम लेफ्ट में लाते हैं, ये हो जाएगा, चलिए dx नहीं बल्कि ऐसा करते हैं कि dy के साथ y को करते हैं, x के साथ dx को करते हैं. तो ये हो जाएगा 1 / y² dy = -(e^(x)/(1 + e^(2x dx) हो जाएगा. अब चले देखें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. ये हो जाएगा आपका 1 / y² dy - इंटीग्रेशन. देखिए इसको e^(x)/(1 + e^(x)² dx लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर अगर हम e^(x)= t एज्यूम कर लें तो इसका हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, e^(x)dx = dt. फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन 1 / y² dy = -. यहाँ देखें e^(x)dx, ये वैल्यू जो होगी dt 1 हो जाएगा 1 + e^(x)t हो जाएगा, ये हो जाएगा t² और dt. अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, देखें ये tan इनवर्स y हो जाएगा और ये = ये हो जाएगा tan इनवर्स t, और प्लस कांस्टेंट ऐड कर लीजिए, तो कांस्टेंट हम चाहे तो कांस्टेंट को भी हम tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. tan इनवर्स सी लिख दिए, या नहीं तो आप सी भी लिख सकते हैं, केवल सी लिख सकते हैं, tan इनवर्स सी भी लिख सकते हैं. इसीलिए इन सब के जो आंसर होते हैं वो आंसर मिलते नहीं हैं, क्योंकि कांस्टेंट के जगह पे आप सी भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स सी भी लिख सकते हैं, अगर सब लॉग के फॉर्म में आ रहे हैं तो लॉग सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं. अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगर -tan इनवर्स t को लेफ्ट में ला देते हैं तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y, और प्लस हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स t = लिख दिए tan इनवर्स c. अब जो है यहाँ पर देखें t की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो देखिए अब इसको हम राइट साइड में यहाँ कर रहे हैं, राइट साइड में देखिए ये है आपका tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स t की वैल्यू हम रख देते हैं e^(x), ये हो जाएगा e^(x) = tan इनवर्स c. अच्छा अब हम जो है जरा इस वैल्यू को यहाँ पुट करके c की वैल्यू हम चाहें तो निकाल लें, या थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस e^(x)/(1 - y e^(x)= tan इनवर्स c हो जाएगा, और दोनों साइड से tan इनवर्स अगर आप हटा देते हैं तो tan इनवर्स हटाने के बाद y + e^(x)/(1 - y e^(x)= c. अब यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, x के जगह पे 0, y के जगह पे 1 हम रखते हैं, तो y के जगह पे 1 + e^(0, 1 - y के जगह पे 1, और ये हो जाएगा e^(0, और ये मिल जाएगा आपका c.
तो इस प्रकार जो है ये थोड़ा सा वैल्यू जो आएगी कॉम्प्लिकेटेड आएगी, वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आएगी, मतलब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, e टू द पावर जीरो की वैल्यू वन, तो वन माइनस वन हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया, थोड़ा सा यहाँ पर हम संशोधन करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ टेन इनवर्स सी न ऐड करके हम केवल सी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि टेन इनवर्स यहाँ ऐड करने पर प्रॉब्लम हो रही है, हम यहाँ पर C ऐड कर रहे हैं। देखिए C ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी। अब हम अगर यहीं पे रख ले, देखिए यहाँ हम C रख देते हैं और वैल्यू हम यहाँ रख के देख ले वैल्यू क्या मिल रही है, तो y की वैल्यू हम रख लेते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 और प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर 0, तो e टू द पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ये हो गया c, और फिर क्या होगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c, तो ये हो गया 2 और tan इनवर्स 1, 1 जो है पाई बाई 4 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 इज इक्वल टू c, कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू c। अब चूंकि tan इनवर्स के फॉर्म में करने पर ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि c की वैल्यू इनफाइनाइट आ जा रही थी, तो c की वैल्यू इनफाइनाइट होनी नहीं चाहिए, तो इसलिए जो इसको हम चेंज कर दिए हैं। अब यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, देखें ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू द पावर x इक्वल टू c की वैल्यू रख लीजिए, पाई बाई 2 हो गया। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, और या नहीं तो यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जो है यहां अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम अप्लाई कर देते तो क्या मिलता, ये देखिए, अगर हम अप्लाई कर देते तो tan इनवर्स y प्लस e टू द पावर x अपॉन वन माइनस y e टू द पावर x इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। अब tan इनवर्स को राइट में लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा y प्लस e टू द पावर x अपॉन वन माइनस y e टू द पावर x इक्वल टू tan पाई बाई 2 हो जाएगा, और tan पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट को हम चाहें तो 1 अपॉन 0 कर सकते हैं। अब अगर यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 माइनस वाई ई टू द पावर एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और या नहीं तो आप चाहें तो वाई ई टू द पावर एक्स इक्वल टू वन कर सकते हैं। आप ये भी सोल्यूशन लिख देंगे, देखिए अगर आप यहां छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप यहां छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, ये आपका जो सोल्यूशन है ये आपका सही है। तो समझ में आ गया आप सबको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और यह दिया है कि y इज नॉट इक्वल टू जीरो, y जो है जीरो के इक्वल नहीं है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, हम dy को लेफ्ट में लाते हैं, तो y e टू द पावर x अपॉन y ये हो जाएगा dx अपॉन dy, और फिर ये हो जाएगा आपका x e टू द पावर x अपॉन y माइनस हो जाएगा y स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम देखें, अब जो है अगर माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट में ला दें तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू यक्स ई टू द पावर यक्स अपॉन वाई हो जाएगा। और इसको अब जो है हम ला देते हैं राइट, लेफ्ट में ला देते हैं, तो देखिए लेफ्ट में लाने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ये ला देते हैं इधर, यक्स ई टू द पावर यक्स अपॉन वाई इजकल टू वन। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर देखिए ये जो e टू द पावर यक्स है ना, सॉरी e टू द पावर यक्स अपॉन वाई, इसको हम कुछ मान लेते हैं। देखिए अगर हम e टू द पावर यक्स अपॉन वाई को हम t एज्यूम कर लें, तो चलिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां
लिख सकते हैं लेट, और डिफरेंशिएशन किया जाए तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन y, और इसके बाद जो है अगर हम x अपॉन y का करते हैं तो x अपॉन y का हम करेंगे तो देखें ऐसा करते हैं ना, y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो जब y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है क्वेश्चन में, यहाँ प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है तो यहाँ हमको प्लस करना होगा, तो अब यहीं से थोड़ा सा जो है फॉल्ट हो गया है, तो चलिए अब इसको हम लेफ्ट में ला देते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, तो ये y e टू द पावर x अपॉन y dx अपॉन dy, और ये हो जाएगा आपका माइनस e टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर। अब y स्क्वायर को हम लेफ्ट में ला देते हैं तो y e टू द पावर x अपॉन y dx अपॉन dy माइनस x e टू द पावर x अपॉन y अपॉन हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अगर हम चाहें तो e टू द पावर x अपॉन y को कॉमन ले सकते हैं, e टू द पावर x अपॉन y अगर हम कॉमन ले लें तो y, और ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy, देखें dx अपॉन dy, और माइनस हो जाएगा x अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वन। अब हम यहाँ से e टू द पावर x को देखो, देखिए एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू, अगर हम t एज्यूम कर लें और इसको हम जो है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो e टू द पावर x अपॉन y हो जाएगा, और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर देखें क्या मिलेगा आपको, ये हो गया डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये हो जाएगा dx अपॉन dy, और माइनस हो जाएगा x, और फिर ये हो जाएगा आपका अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt अपॉन dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो जरा देखिए बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर है, आप देखें बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे है, तो अब इसके जगह पे हम वन कर सकते हैं, यानी वन इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी वाई, या डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। अब दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन कर लें तो यहाँ कुछ नहीं तो वन है, तो वन का हो जाएगा वाई, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका ये टी हो जाएगा प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन y प्लस हो जाएगा कॉन्स्टेंट c। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व होता है। तो अब इस तरह से ये जो क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं? चलिए ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयार करिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस प्रकार आप जितने वीडियो देखने वाले लोग हैं हमें उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।